पापा के पास नहीं जा सकती। बोलिए गजानन महाराज। पैसे लेके आई है ये मोहतरमा, जीत चुके हैं 20 रुपए। छुपिए के राइट साइड हूँ। 150 लोगों का खाना अपने घर पे ले आई हूँ। कौन देखा? बहुत जगह है। गुरु पाँच और आठ। गणपति का ये दूसरा साल है और पिछले साल का ब्लॉग तो आपने देखा होगा, तो ये साल के गणपति के लिए हम रात के 2:30 बजे आए हैं गणपति जी को लेने, क्योंकि बहुत भीड़ थी। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं। गणपति बाप्पा सोंगी नीचे। ये रहा आरुष और सुबह उठते हैं। गुड नाइट। तो आज डे वन है और हम सुबह सुबह 9 बजे उठ गए हैं। पंडित जी भी बाहर आ गए हैं, सब उठ गए हैं। बट बहुत दिल से, बहुत दिली इच्छा से गणपति जी को हम घर लाए थे। मैंने सोचा था उनकी सेवा करूंगी, वो हमारे मेहमान है, मतलब हमारे घर के सदस्य, हमारे दोस्त ही है वो। बट बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ करेंगे। बट आज सुबह जो भी एवरी मंथ जो भी लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है वो आज मुझे हुआ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि बट मैं गणपति पापा के पास नहीं जा सकती हूँ अब से। और मुझे बहुत दुख है, हमारे गणपति जी बस 2.5 दिन के हैं और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। मतलब गणपति जी मेरे सामने हैं बट मैं उनके पास नहीं जा सकती। बोलिए गजानन महाराज की जय। बहुत से लोग रात को ही गणपति जी को घर ले आते हैं और बहुत से लोग, मतलब ज्यादा लोग तो रात को लेके आ जाते हैं और कुछ कुछ लोग दिन में लेके आते हैं। तो अभी रोड पे भी इतने सारे मस्त गणपति जा रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे, बहुत मजा आ रहा है। तो अभी हम आए हैं मोदक लेने। तो कल जो गेस्ट आएंगे उनको रिटर्न में हम मोदक देंगे, तो मोदक बुक करने आए हैं। ये प्यारे प्यारे मोदक बहुत ही फ्रेश है और गणपति पापा के फेवरेट है मोदक। गणपति जी घर पे हैं और सुबह सुबह ही लोगों को जल्दी उठने की आदत नहीं है। आज उठे थे तो देखो कब कैसे सो रहे हैं। उठो सिमरन चिन्नी, बच्चों उठो जल्दी। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा। हम आरती के लिए तैयार हैं, हम आरती शुरू कर रहे हैं और शुरू करते हैं। पहले हम सुख हरता दुख हरता माता विघ्नाची। अच्छा तो अभी हम पता है क्या करने वाले, देखो पापा इज आउट, वी ऑल आर इन। और अभी रात के 11:30 हो रहे हैं और अभी हम सब लोग खेलने वाले हैं हाउजी। तो अब हम हाउजी शुरू करते हैं, लेकिन इस साल हमारी हाउजी में नंबर कम है। हमने अभी अभी देखा, पैसे लेके आई है ये मोहतरमा, दिखाइए जरा इनको। तो सुनिए कितना जमा हुए हैं जल्दी, 5 के 80 रुपए, पहली लाइन 50, दूसरी लाइन 50, तीसरी लाइन 50, फिर आएगी 150। यहाँ भरी भीड़ में सब बैठे हुए हैं 20-20 रुपए कमाने के लिए, बहुत दिल पे पत्थर रख के बैठे गाइस। और ये भैया का हो चुका है, भैया जीत चुके हैं 20 रुपया। 50 रुपए जीत चुके हैं। क्या बात है, 50 रुपए में 25 रुपया GST लगेगा। ओह माय गॉड।
उसको पूछा 130 का क्या करेगा, बोलता विमल खाऊंगा। गलत बात है। एक चुम्मा तू हमका उधार दे दे। एक गाना डाल, लेफ्ट साइड पे छुपिए कि राइट साइड पे। अटक लगे, अटक लगे। फाइनली सब सो गए हैं और हम भी सो जाते हैं। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि मैं अंदर जाके सोऊं, तो आरुष और कमल जी नीचे सो रहे हैं। तो कल सुबह मिलते हैं, कल सत्यनारायण भगवान की पूजा है और आज बहुत मज़ा आया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज सेकेंड डे है और हम नीचे देखने आए कि खाना पीना की तैयारी रेडी हो गई है कि नहीं, क्योंकि आज प्रसाद भी रखा है हमने खाने में। मुस्कान भी यहाँ पे सब चेक कर रही है क्या क्या है खाने में। राधे एक मिनट, राधे तुम दूर जाओ, खाने में क्या क्या है सुन के आगे आ जाता है। चलो, गुलाब जामुन, छोले पनीर, मिक्स वेज, जीरा राइस, दाल दाल फ्राई, पापड़ सैलेड, बूंदी रायता, पूरी, नारियल, बस। अरे भैया मत मारो भैया, अरे दीदी चली गई, तुम मारोगे भैया? अरे भैया नहीं भैया, भैया प्लीज छोड़ दो भैया, भैया भैया भैया। लड़का सीढ़ी पे भागता है, देखो पटर लगता है। अरे मत, मुझे समझ नहीं आता सब बच्चे राधे की गोद में क्यों चले जाते हैं। राधे का गोर एकदम गद्दे गद्दे जैसा लगता है। हाँ यार सही बात है, एकदम सही बात बोला ना। मजा आ रहा है बाबू? हाँ बोल रहा है बाबू। पंडित जी छन छन रेडी कर रहे हैं और ये हमारे गणपति पापा बैठे हैं और आज है यहाँ पे सत्यनारायण जी का पूजा। इसमें लगेंगे पूरे 3.5 से 4 घंटे। पंडित जी कोई शॉर्टकट? पंडित जी शॉर्टकट तो नहीं ना? नहीं, तब जाके 4 घंटा मस्ती कर रही। नहीं नहीं, 4 घंटे। तो आप रेडी हो क्या? अपनी यहाँ सिमरन दी गार्ड बांध रही है, उनको 11 रुपए मिल रहे हैं। ओके गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं बहुत ही सुंदर लग रही हूँ, बहुत ही प्यारी सी लग रही हूँ। मैं खुद ही अपनी तारीफ कर रही हूँ। गाइस मैं ये सोचूं कि मतलब अचानक से ऐसे हम सब बैठ के बात कर रहे, मतलब हम सब लड़कियां सब कितनी सुंदर सुंदर लग रही है। हम लोग सिर्फ रील देख, सबसे अच्छी वाली लग रही है मेरे को तो। अगर हम सुंदर नहीं लगेंगे तो आरुष लगेगा। सारे गेस्ट आ गए हैं बट खाने का लेट, उन्होंने 8 बजे बोला बट भैया बोल रहे नहीं 6:30 तक हो जाएगा और उसका ही हम वेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं खाने का, तो सबसे पहले भगवान के लिए खाना निकाला जाएगा, फिर हम सब मेहमान खाएंगे और हम भी खाएंगे। तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी बनाई नहीं थी बट खिचड़ी बन गई और बहुत ज़्यादा बहुत दिक्कत हुई, सच बता रही हूँ। बस मैं लिटरली ऐसा था कि रोने की वजह पे थी बट ठीक है, होता है, जस्ट हैव टू सारी प्रॉब्लम से गो थ्रू करना पड़ता है। तो नीचे हमने हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पर करना चाहा, थोड़ा सा यू नो जिनका पार्किंग है उनको कन्वेंस करना था कि हमारे घर पे पूजा है, आप अपना पार्किंग दे सकते हैं। और तो कुछ लोग तो बहुत अच्छे थे बट कुछ लोग बहुत ज़्यादा रूड थे, जिनको थोड़ा नाटक था। तो बाद में फिर हम लोग ने बोला ठीक है नहीं करते, तब उन्होंने बोला ठीक है नहीं नहीं कर लो। तो वैसे कोई मतलब नहीं है कि किसी के घर पूजा है आपने ऐसे किया, तो मैंने बोला जा तो ऊपर वाला तो खैर देखता ही है। तो मैंने सारा खाना 150 लोगों का खाना अपने घर पर ले आई हूँ और बस पप्पा सब कुछ अच्छे से करते, एक एक करके सारा हम लोग घर पे ही करेंगे सब कुछ अच्छे से। तो गाइस देखो पूरा खाना हम लोगों ने घर पे लेके आ गए हैं, पूरा बड़ा बड़ा तपेला और सब कुछ, क्योंकि सोसाइटी वाले ने हमें सपोर्ट भी किया नहीं भी किया आप क्या ही बोले, बट घर पे तो हम 150 लोग को नीचे पीटू पे खाना खिलाने वाले थे बट घर पे इतनी दिक्कत आ रही थी, पर गणपति पापा की वजह से सब कुछ इतनी इजीली हो रहा है, कितना मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि घर पे ही करना चाहिए था क्योंकि एसी में मस्त हवा नीचे तक गरम ये वो, इतनी मगज मारी सब ऐसे सोचेंगे कि हॉल कर लेने, बट क्या होता है गणपति में कोई आता ना, गणपति से एक बार नीचे गया बिल्डिंग तक में ठीक है, थोड़ा सा बिल्डिंग के बाहर गया फिर उनको और भी जगह जाना पड़ता है, इसलिए हमारे गेस्ट को हमें पकड़ के और हम हॉल के लिए गए थे एमरजेंसी के लिए, बट वो लोग बोले कि हॉल में आप खाना नहीं बना सकते, तो मतलब क्या करेंगे वहाँ लोग जाके बैठे के अचार खाएंगे, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। बोले कि हमने खाया ही नहीं, हम कैसे बताएंगे कैसा खाना, अच्छा ना इतना कुछ तकलीफ होने के बाद खाना खाते कितना थोड़ा मूड इतना फ्रेश होता है, वो गणपति बाबा तो सब कुछ इजी करा देते हैं। मुस्कान
गांधी क्या खेलेंगे? हम हाउस, हम सोचे हाउस ही खेलेंगे जैसे कल खेला था, सब लोग ओके हो गए, बट निशा के थोड़े अलग ही तेवर है, वो कह रही सॉरी हाउस ही खेलेंगे, तो मैं बहुत गलत बात है, हम दमशराज खेलेंगे। तो यहाँ पे हो गई सना, सना मतलब जीत जीत चुकी है, मुस्कान को विक्स की गोली दे दो। अरे रे भगवान जी, बहुत पापी बोलेगा तुझे। क्यों बोलेंगे? कौन देखा, किसने देखा, कब देखे? खाना पीना सब हो गया, अब हम खेलेंगे गेम। और निशा बहुत देर से कचर 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 का, उसको माइक क्या मिल गया, इतनी एक्साइटेड हो गई कि बोलना बंद। अरे सब शांत क्यों हो गए गाइस, सब लोग सॉरी, बहुत जगह है, बहुत जगह है, बहुत जगह है। आवाज कम कर दूंगा। अरे तो गाइस मैच जब स्टार्ट होगा टीम बटने के बाद हम मिलते हैं। चौहान मुगल की है, जीत गए हम लोग, जीत गए। तुम लोग ऐसे नहीं करते, सही बात है, सही बात है, सही बात है। तू मेरी एक्चुअली। तो गाइस यहाँ पे हाउस ही चालू हो चुका है, और यहाँ पे हमारी जो निशा है ये नंबर निकालेगी, और बहुत एक्साइटेड है, लगता जीत के जाने वाला है। अरे बस खाते पीते रहती लड़की, क्या है? पहला नंबर 54, 54। बहुत बढ़िया नंबर। नेक्स्ट नंबर 58। तो गाइस मैं जीत गया हूँ, निशा चेक कर। अरे यार राला जीत गया मैं, 65 का हुआ भाई। हाँ हुआ है, हुआ है। ए भाई मेरे साथ स्कैम मत करो। किसी के पास 65 है? किसी के पास नहीं। अभी के लिए गुड नाइट, कल है विसर्जन, कल मिलते हैं।